हेलो गाइस, हमारी यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने पर, एक्सीलेटर छोड़ने पर गाड़ी अगर बार बार बंद हो जा रही है तो इसे कैसे सही करें। जैसे एक्सीलेटर करो स्टार्ट। गाइस दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हम एक्सीलेटर को छोड़ते हैं, गाड़ी देखो बंद हो जा रही है। जो गाड़ी बार बार बंद हुई, ऐसे कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारा जो ये सेंसर होता है, इसके हमें वायर चेक करनी है। सबसे पहले तो हम खोलो, सबसे पहले तो हमें सॉकेट को निकाल लेना है और इसकी हमें सबसे पहले वायर चेक करना है। चलिए इसके वायर चेक करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वायर टूटा हुआ है। ये ऊपर से प्लास्टिक तो है लेकिन अंदर से इसका वायर टूट चुका है। चलिए इसको हम निकालते हैं। ये वायर हमारा टूट चुका है, प्लास्टिक ऊपर से लगी हुई थी, अंदर से वायर टूट गया था। चलिए इसको हम पहले इसको हम जोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम, ये हमारी यहाँ पिन होती हैं, इसको हमें अंदर की साइड दबा देना है। दबा देने की साइड, इस साइड से हमें इस तरह अंदर दबा के हमें पिन को निकाल लेना है ऐसे। और इसके बाद हमें छोटा सा बाल कर बाल लिया। दोस्तों, हमें ये पिन को हमें खोल लेना है। खोल लेंगे वही बार को हमें कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों, हमें तार को दो हिस्से में ऐसा कर लेना है। उसके बाद हमें तार को ऐसे करके हमें ऐंठ लेना है। उसके बाद हमको ये वापस से दोबारा दबा देना है। और ये ऊपर तार को हमें काट देना है। चलिए लगाते हैं। चल के दोस्तों, हमें इस साइड से इसको हमें अंदर डालना है। वापस हमें अंदर
बैठा देना है और तार को हमें कट करके जोड़ देना है। हम स्टार्ट करके इसको देखेंगे, स्टार्ट करो जाके अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो